वन, उसके वन टू फाइव से हमने कंप्लीट कर लिए थे, सिक्स से स्टार्ट करने पर उसने कहा है ओपन डायग्राम एंड कंपेयर ईच सेल टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। हमें सेल गिवन है, यहाँ पर इस तरह से मिरर इमेज बनेगा, तो इस तरह से
तो आंसर क्या है इसमें फोर। फिर ई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो दो ही लाइन पास होगी यहाँ पे, एक वर्टिकल है दूसरी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर डायग्राम वाला नहीं होगा, अगर यहाँ पर आप क्रॉस लगाओगे तो अगर फोर्ड करेंगे ना तो ये वाला सेट इस तरफ बाहर निकल जाएगा, एंड वैसे प्रॉपर सेट नहीं होगा। तो ओनली टू लाइन होगी, टू लाइन मेरा लाइन कितनी मिल रहा है इसमें टू। फिर है रोम्बस, रोम्बस किसे कहते हैं कि जिसकी चारों के चारों साइड्स इक्वल है और एंगल है और 90 डिग्री के वजह से इतना ही चेंज है कि स्क्वायर एंड रोम्बस में, तो बाकी आई मीन सब इक्वल है इन दोनों में। रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होती है पर उसके जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप पास होंगे तो डायगोनल टाइप दो है वो होगा, ओके ये दोनों सिमेट्रिकल हो रही है, पर अगर आप यहाँ से करने जाओगे तो प्रॉपर स्केट नहीं होगा इसमें, तो इसमें आंसर क्या आएगा टू रोम्बस। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आप ट्राई करने जाओगे तो वो नहीं होगा, एंड ऐसे भी लग रहा है कि ये हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक रोम्बस टाइप कट कर लो एंड फिर उसको फोल्ड कर भी चेक कर सकते हो कि यहाँ से अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो प्रॉपर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर करोगे तो प्रॉपर उसके ऊपर सेट नहीं होगा, ओके यानी मिरर इमेज नहीं बनेगी उसकी। फिर जी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम जैसे स्क्वायर का सिलेंडर क्या था रोम्बस, वैसे ही रेक्टेंगल का सिलेंडर होता है पैरेललोग्राम, उसमें भी सेम वैसे ही होता है। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही होता है, पर सी पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, बाकी सब सेम होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक भी लाइन नहीं मिलेगी यहाँ पर पैरेललोग्राम में, अगर चेक करना है तो वर्टिकल देखेंगे आप इस तरह से, तो सेट नहीं कर रहे हो रहा है। इस तरह से फिर अगर फोर्ड करेंगे तो आधा बार निकल जाएगा। फिर अगर यहाँ से करेंगे ओके तो ये वाला इस तरफ कितना जाएगा, ओके प्रॉपर सेट नहीं होगा, यानी कि इसमें पैरेललोग्राम में उसमें एक भी लाइन मिरर लाइन में नहीं मिल रही, यानी कि आंसर आएगा जीरो इसमें। फिर एच क्वाड्रेंटर, क्वाड्रेंटर से कहते हैं कि जो लाइन सेगमेंट फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ सेट है एंड वो क्रॉस सेट होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटर। फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ सेट एंड क्रॉस सेट होना चाहिए तो उसको कहते हैं क्वाड्रेंटर। एंड क्वाड्रेंटर में कई सारे टाइप्स होते हैं, ये सभी क्वाड्रेंटर्स में नहीं आते, ओके और वो सब टाइप है स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस पैरेललोग्राम। क्वाड्रेंट का कोई भी ले सकते हैं एनी फोर लाइन सेगमेंट एंड क्रॉस से बना दो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक भी जगह से हमें मिरर इमेज मिरर लाइन नहीं मिल रही, इसलिए भी आंसर रहेगा जीरो। आए रेगुलर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में रेगुलर आगे का है यानी कि सिक्स साइड्स है एंड सभी साइड कैसे होगी इक्वल, तो अगर सिक्स है तो आंसर क्या आएगा सिक्स। फिर भी चेक कर लो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, मिरर लाइन हम देख सकते हैं इसमें रेगुलर हेक्सागोन में। फिर नेक्स्ट है अ सर्कल, लास्ट है इसमें सर्कल है, तो सर्कल में यहाँ पर आप कई सारे मिरर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक दो ही होती है, यहाँ पर इनफाइनाइट आंसर आएगा, ओके वन टू थ्री
फोर फाइव सिक्स, क्योंकि सर्कल्स में ऐसे साइड्स नहीं होते, यहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी मिरर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आंसर में लिखना है इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट 8 है, उसमें फर्स्ट पार्ट है वर्टिकल मिरर। 8 में कहा है कि हमें इंग्लिश अल्फाबेट है उसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री चेक करना है। फर्स्ट है वर्टिकल मिरर, तो ए से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट में, तो ए है तो ए के पास में वर्टिकल, यानी कि इस तरह से हम कोई भी मिरर रखते हैं तो सेम उसके जैसा ही हमें मिलना चाहिए, तो ए में से हम वैसे ही होता है। ओके, तो ए आंसर आएगा इसमें फर्स्ट, वैसे ही सभी का आप चेक कर सकते हो। फिर बी रखेंगे तो बी के पास मिरर आप रखोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, तो ये उसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है। फिर सी, तो सी में भी नहीं होगा। डी, तो डी में भी नहीं हो रहा है। ओके, उस तरह से पूरा का पूरा आपको चेक करना है वन बाय वन एंड उसके आंसर लिखने हैं। फिर ई, तो ई में भी नहीं होगा, एफ में भी नहीं होगा। वैसे सभी आप चेक करते जाओगे तो आपको आंसर इसके मिल जाएगा वर्टिकल मिरर इमेज में। फिर बी पार्ट है, वहाँ पर आपको कहा है हॉरिजॉन्टल मिरर। ओके, कोई भी लेटर ले रहे हैं, हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ए से। यहाँ पर बाकी जितने भी हो अपने आप कर लेना। अब ए से स्टार्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसके नीचे रखेंगे ए मिरर, तो इसका शेप किसका ऐसा ऐसा मिलेगा हमें, तो इसकी मिरर इमेज नहीं है, उसके जैसे ऐसे हम हमें मिलना चाहिए, तो ये नहीं है। फिर बी ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें सेम वैसा ही मिलेगा बी, तो बी है वो मिरर इमेज है, वैसे ही सी, तो सी का जैसा ही आएगा यहाँ पर, तो सी भी होगा। फिर डी, डी के नीचे मिरर रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें डी ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से बाकी जितने भी है वो चेक कर लेना आप कि हॉरिजॉन्टल कौन कौन से आंसर बन रहे हैं। ओके, एंड सी पार्ट में आपको कहा है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। अब दोनों में आए ऐसे कौन कौन से है कि जो वर्टिकल भी हो एंड हॉरिजॉन्टल भी हो। ओके, तो उसके पास में अगर मिरर रखे तो भी सेम मिरर इमेज मिले एंड नीचे रखे तो भी, तो ऐसा ओ है, ओ के पास में रखेंगे तो भी ओ मिलेगा एंड ओ के नीचे यहाँ पर रखेंगे तो भी हमें ओ ही मिलने वाला है। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगा, ओ। फिर एक्स भी होता है। ओके, एक्स के पास अगर मिरर रखेंगे वर्टिकली तो यहाँ पर भी एक्स मिलेगा एंड नीचे रखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो भी आपको एक्स मिलेगा। ओके, फिर आई, आई में भी वैसे होगा, कैपिटल आई है उसके पास रखेंगे तो भी हमें आई मिलेगा, नीचे रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। ओके, एंड एच, एच में भी ऐसा ही होता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल। फिर नाइन्थ है, नाइन्थ में कहा है गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें तीन ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि जिसमें से हम मिरर लाइन पास नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल अगर फाइंड करने, तीनों के तीनों आपको जो हमने सेवन वाला सम सोल्व किया उसमें से मिल जाएगा। फर्स्ट वन है अ स्केल एंड ट्राइंगल, सेकेंड वन है अ पैरेललोग्राम, एंड अ क्वाड्रिलेटर।
ओके, ये तीनों एग्जांपल है कि जिसमें से हम एक भी मिरर लाइन पास नहीं कर सकते। ओके एंड फिर लास्ट 10 वाला है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट है आइसोस्केल ट्राइंगल, अब उसके बाद 10 वाला सामने 10 में कहा है कि व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। हम दूसरे कौन से नेम दे सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट है आइसोस्केल ट्राइंगल, तो उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको हम दूसरे कौन से नाम से बुला सकते हैं उस तरह से, तो सेंटर में से पास होगी इस तरह से वो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मीडियन। ओके, टू इक्वल पार्ट करेंगे इसके, तो आंसर क्या आएगा इसका, मीडियन। ओके एंड नेक्स्ट वन है बी सर्कल, तो सर्कल में सेंटर में से पास होगी इस तरह से कोई भी ले लो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ओके, तो दूसरे नाम हमें सिर्फ बताने थे, तो ये दोनों नाम है उसके। ओके, इसका होगा मीडियन एंड इसका होगा डायमीटर। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है हमारी।